सब्सक्राइब कीजिए हरिद्र नरसिंह गुरु यूट्यूब चैनल को और पास में जो बेल आइकन है उसके ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली मेडिकल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हरि नागर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश के द्वारा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई थी और जिसका रिटर्न टेस्ट 6 दिसंबर 2020 को कंडक्ट किया था, तो उसका रिज़ल्ट आ चुका है। तो इस टेबल के माध्यम से आप देख पाएंगे कि जो कैंडिडेट है उसका रोल नंबर क्या था, एप्लीकेशन नंबर क्या था, कैंडिडेट का नाम और उसका फादर नेम, साथ ही जेंडर और डेट ऑफ बर्थ भी दिया रखा है इसमें। तो आप इसको जाकर चेक कर सकते हैं कि आपका नाम आया है या नहीं आया है और किस कैटेगरी से वो कैंडिडेट बिलोंग करता है, वो भी दे रखा है, चाहे सेम स्टेट का हो चाहे अदर स्टेट का हो, और कितने मार्क्स उसने ऑब्टेन किए हैं आउट ऑफ 100 में से, और उसकी कौन सी रैंक बनी है और कौन सी कैटेगरी के अंदर वो सेलेक्ट हुआ है, तो आप इस टेबल के माध्यम से देख पाएंगे। और साथ ही इसमें लास्ट में इंस्ट्रक्शन भी दिए हुए हैं, तो वो आप इंस्ट्रक्शन भी जाकर चेक कर सकते हैं। द अलॉटमेंट ऑफ 494, इट मीन्स 13% सीट्स विल बी डन आफ्टर द डिसीजन बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश इन ओबीसी रिजर्वेशन क्वाटा केस। तो जो ओबीसी का रिजर्वेशन था तो उसका केस चल रहा है, तो जब भी उसका डिसीजन आएगा तो उस कंडीशन में, उस डिसीजन के बाद में 13% जो सीट्स होगी वो उन कैंडिडेट को अलॉट कर दी जाएगी। तो इससे पहले जो 13% सीट्स हैं वो पहले से ही रिजर्व कर रखी हैं, वो अलॉट नहीं की जाएगी, वो कोर्ट का डिसीजन जब आएगा उसी के बाद में अलॉट की जाएगी। ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट रिजल्ट रिमार्क ऑफ द कैंडिडेट में चेंज बेस्ड ऑन द जजमेंट ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश। यानी कि जब भी ओबीसी रिजर्वेशन जो कोटा है उसके फेवर में अगर डिसीजन आता है हाई कोर्ट का, तो उस कंडीशन में जो ओबीसी कैटेगरी की जो टेबल है यानी कि जो रिजल्ट रिमार्क है वो चेंज हो सकता है। इन टोटल 30% ऑफ वैकेंसी हैव बीन केप्ट ऑन द वेटिंग लिस्ट इन ईच कैटेगरी एज पर द रिजर्वेशन रूल। तो रिजर्वेशन रूल्स के अकॉर्डिंग जो हर एक कैटेगरी है उसमें 30% कैंडिडेट एक्स्ट्रा लिए हैं, यानी कि वेटिंग लिस्ट में लिए हैं। और इन टोटल 5 क्वेश्चन हैज़ बीन स्क्रैप्ड एंड 5 मार्क्स हैव बीन अवार्डेड टू ऑल द कैंडिडेट हु पार्टिसिपेट इन द रिटर्न टेस्ट। यानी कि इसमें 5 क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हुई होगी, तो उस कंडीशन में हर एक कैंडिडेट को 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए गए हैं। इन केस ऑफ टाई इन बिटवीन टू कैंडिडेट प्रेफरेंस हैज़ बीन गिवन टू द एल्डर कैंडिडेट। यानी कि अगर दो कैंडिडेट के सेम मार्क्स आते हैं तो उस कंडीशन में प्रेफरेंस उस कैंडिडेट को दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है, इन केस ऑफ द टाई बिटवीन टू कैंडिडेट्स द प्रेफरेंस हैज़ बीन गिवन टू द एल्डर कैंडिडेट्स। यानी कि इस कंडीशन में क्या होगा, अगर दो कैंडिडेट के बिल्कुल इक्वल मार्क्स आते हैं तो उस कंडीशन में प्रेफरेंस एल्डर कैंडिडेट यानी कि जिसकी एज ज़्यादा होगी उसी को प्रेफरेंस दिया जाएगा। इवन इफ टाई परसिस्टेड इन केस ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ द कैंडिडेट obtaining the highest mark in the 12th or higher secondary has been given the preference. अब कभी कभी क्या होता है, मार्क्स सेम है, डेट ऑफ बर्थ सेम है, तो उस कंडीशन में प्रेफरेंस उस कैंडिडेट को दी जाएगी जिसके 10th और 12th में ज़्यादा मार्क्स हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और किसी भी प्रकार की क्यूरीज है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।